हेलो दोस्तों, आज है 26 मई 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, काम की खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है और अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, आज है संकष्टी चतुर्थी और आज के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। 26 मई को गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलता है और सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज 26 मई रविवार को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों को मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो बेहद ही दर्दनाक खबर आ रही है गुजरात के राजकोट से। गुजरात के राजकोट में शनिवार को एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटित हो गई। एक गेमिंग जोन था जिसमें भीषण आग लग गई और इस आग में बच्चों समेत 27 लोगों की जानें चली गई है। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। मृतकों में कई बच्चे शामिल है जो छुट्टियों की वजह से यहाँ मनोरंजन करने के लिए आए हुए थे। ये एक गेमिंग जोन था, बच्चे मौज मस्ती में जुटे हुए थे और उनके अभिभावक माता पिता भी खेलते हुए बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन इसी बीच ही अचानक गेमिंग जोन में आग लग गई और पल भर में ही हंसी खुशी का माहौल चित्कार भगदड़ और मातम में बदल गया। बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने के बारे में कहा है। वहीं सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस संबंध में एक विशेष जांच दल SIT का गठन करते हुए पूरे मामले की जांच गहनता से की जाएगी। वहीं इस हादसे में गेमिंग जोन का मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 लोगों ने जाने गवाई है, इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। उन अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही भीषण ये घटना हुई। जानकारी सामने आई है कि TRP गेम जोन के पास फायर NOC तक नहीं थी। कभी कभी ये लापरवाहियां बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव प्रणाली चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गई है और इस चक्रवाती तूफान का नाम है रेमल। रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच समुद्र तट से यह चक्रवाती तूफान टकराने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है। इस मानसून पूर्व सीजन में बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवाती तूफान बना है। अधिकारियों ने कहा कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। तूफान के रास्ते के करीब आने वाले सभी जहाजों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया और इस चक्रवाती तूफान की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है और 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 मई और 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ पर हम आपको एक मैप भी बताएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चक्रवाती तूफान अभी चल रहा है। रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से ये टकराएगा। पश्चिम बंगाल समेत ही उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर के जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। इस चक्रवाती तूफान को मद्देनजर रखते हुए 21 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद रखा जाएगा। चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक 21 घंटे के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन भी निलंबित रहेगा। इसके अलावा संडे मंडे को दक्षिण पूर्व रेलवे की कई ट्रेनें भी रद्द रहेगी। रेमल तूफान को लेकर बिहार में भी अलर्ट रहेगा। 26 मई को बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा चक्रवात रेमल से बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। तबाही को कम करने के लिए यहां पर भी तैयारियां हैं। 4,000 आश्रय स्थल को तैयार कर लिया गया है। खाद्य सामग्री की व्यवस्थाएं भी की गई है ना। और इसके अलावा आपको बता दें, केरल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। केरल में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ और अनेक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा सड़कें भी जलमग्न और पेड़ उखड़ गए। बाढ़ का पानी घरों में घुस आया। ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। 7 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आम चुनाव 6ठा चरण कंप्लीट हो गया। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 59.8% मतदान हुआ। बंगाल में सबसे ज्यादा 78.19% वोट पड़े हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 58 सीटों पर 58.82% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग के आंकड़े रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अब 1 जून को चुनावी रण का यह अंतिम पड़ाव। 7वें चरण में पीएम मोदी सहित कई बड़े दिग्गज मैदान में। 6ठे चरण के मतदान के साथ ही अब लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे और इस चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। चुनावी खबरों में एक
और अपडेट आ रहा है। चुनाव आयोग ने 5 चरणों के पूर्ण मतदान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वोटिंग डेटा को लेकर झूठे दावों को सिरे से नकारा गया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एग्जीक्यूटिव रॉन सोमर्स की यह बड़ी भविष्यवाणी। एक प्रख्यात अमेरिकी एग्जीक्यूटिव और भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सोमर्स ने कहा है, साल 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। हना और युवाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर अलर्ट करने वाली सामने आ रही है। युवाओं में 15% तक बढ़ गया स्ट्रोक का खतरा, आखिर इसकी वजह क्या है? हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अध्ययन की एक हालिया रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि पिछले एक दशक में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़े हैं। स्ट्रोक तभी होता है जब किन्हीं कारणों से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या फिर मस्तिष्क में रक्त स्राव होने लगता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्ट्रोक को जानलेवा समस्या मानते हैं। महिला और पुरुष दोनों को खतरा है। अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में स्ट्रोक के मामलों में 9.3% और पुरुषों में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। पेन मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का प्रमुख जोखिम कारक है। रक्तचाप बढ़ने के कारण आपकी रक्त वाहिकाओं के भीतर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ने लगता है, इससे उनके टूटने और रक्त स्राव को खतरा हो सकता है। और यही कारण है कि सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसे कई कारक है जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं उसके बारे में लोगों को जानना और बचाव रहते संभलना जरूरी है। धूम्रपान हृदय और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खाने में वसा, ज्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में स्ट्रोक होने और इससे मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। विशेषज्ञों ने इस तरह की बातें कही है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, साफ सफाई और हाथों की धुलाई, हर साल ऐसे बच सकती है 7.5 लाख लोगों की जान। कोरोना के समय आपको मालूम होगा हाथ साफ करने से जुड़े अपडेट्स आप देख रहे थे। हाथों की नियमित रूप से सफाई करना, अगर आप पहले वाली जो आदतें हैं उनको भूल गए तो लेसेंट जनरल की एक रिसर्च आई है, इसे पढ़कर आप इसे रूटीन में वापस शामिल कर लीजिए। लेसेंट ने कहा कि हाथ धोने की आदत से लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। द लेसेंट में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक संक्रमण को रोकने वाले उपायों में सुधार करके लाखों लोगों की मौत को रोका जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हाथ की नियमित सफाई सबसे जरूरी है। इसके अलावा सुरक्षित पीने के पानी तक सबकी पहुंच बनाने और बच्चों के लिए नई वैक्सीन में इजाफा करने से भी कई मौतों को टाला जा सकता है। और बोतल से बच्चों को दूध पिलाते हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में बच्चों में उल्टी दस्त और डायरिया दस्तक दे सकता है। भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से उल्टी दस्त और डायरिया के मरीज भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटलों में आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, छोटे बच्चों में भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। जो बच्चे बोतल का दूध पीते हैं उन बच्चों में सबसे ज्यादा समस्याएं उल्टी दस्त और डायरिया की आ रही हैं, क्योंकि बोतल ढंग से साफ नहीं हो पाता जिस वजह से बच्चों को दस्त की समस्या हो जाती है। कानपुर के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में रोजाना ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिनके साथ ये समस्या सामने आ रही है। गर्मी के मौसम में बोतल जल्दी संक्रमित हो जाती है और बार बार इस बोतल पर दूध पीने की वजह से बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायतें हो सकती हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर यशवंत राय ने बताया, बच्चों को इस समय गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें गर्मी में बाहर ना निकलें। इसके साथ ही जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, दूध की बोतल को हर बार दूध पिलाने के बाद गर्म पानी में उबाल करके धोएं और इसके साथ ही बोतल के निप्पल को भी अच्छे से साफ करें। बच्चों को अचानक से ठंडा और गर्म वातावरण में लेकर ना जाएं। इसके साथ ही बच्चों के खान पान का भी बेहद ध्यान रखें और बच्चों में अगर कोई भी समस्या लग रही है तो आप उसे घर पर दवाई देकर ठीक करने की कोशिश ना करें और फौरन उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली एक नई धरती, इंसानों के रहने लायक ये नया ग्रह। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ और इन रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से शोध कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक बेहद ही दिलचस्प खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष दूरबीन का इस्तेमाल करके एक नए ग्रह की खोज की गई है और ये ग्रह आकार में धरती के बराबर है और हमारे सौर मंडल के बेहद करीब भी है। वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई है कि इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक कार अब सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी चार्ज। भारतीय मूल के रिसर्चर ने यह नई टेक्नोलॉजी बनाई है, खोज निकाली है। भारतीय मूल के रिसर्चर अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने एक नई टेक्नोलॉजी को खोज निकाला है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रिक कार को 10 मिनट और डेड लैपटॉप या फोन को 1 मिनट के भीतर चार्ज किया जा सकता है। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक स्टडी में रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि आयन और नामक छोटे चार्जर्ड पार्टिकल्स सूक्ष्म छिद्रों के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के भीतर कैसे चलते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी खोज की गई है ना। और भारतीय छात्रों के लिए यूएस कॉन्सुलेट ने एक बड़ा अपडेट दिया है, स्टूडेंट वीजा को लेकर यह अपडेट आया है। अमेरिका पढ़ने जा रहे उन भारतीय स्टूडेंट के लिए हैदराबाद स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने बड़ा अपडेट जारी किया, जिनकी वीजा इंटरव्यू की तारीख बाद में, ऐसे स्टूडेंट को
अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूएस कॉन्सुलेट ने स्टूडेंट वीजा सीजन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है ना। और बड़ी बड़ी खबरें तो अभी आगे आने वाली है, वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एक्शन हुआ है। कैस्ट्रेल एविएशन कंपनी की उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अभी हाल ही में इस कंपनी का एक हेलीकॉप्टर था जो लैंडिंग के समय डापाचूक हो गया था और वो पढ़ते पढ़ते बचा, इसके बाद ये एक्शन हुआ है ना। और चार धाम यात्रा के 14 दिनों में ही रिकॉर्ड बना है, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हर रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। केदारनाथ यमुनोत्री चार धाम पर बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट है, कुछ सावधानियां जरूर रखिएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा और चंबावत जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। 26 मई से पूरे राज्य में मौसम में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। चार धाम यात्रा के दौरान भी सावधानियां रखें। चार धाम यात्रा रूट पर बारिश होने पर यात्रा ना करें। खराब मौसम पर यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और रात होने से पहले अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने का प्रयास करें। सफर के दौरान खाने पीने की चीजें साथ रखें। चार धाम यात्रा रूट पर सफर के दौरान हमेशा सतर्क रहें। सफर में गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां भी अपने साथ जरूर रखें है ना। और हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा के बीच सिखों के पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक हेमकुंड साहिब के कपाट भी दर्शनार्थ खोल दिए गए। हेमकुंड साहिब दुनिया का सबसे ऊंचा और विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ना। और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी ने रैली की और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब का विकास मोदी की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कीम वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 25 मई को पटना, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चीन की ताइवान को जंग की धमकी, कहा कि जब तक ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बनता सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे, युद्धाभ्यास में कब्जे की तैयारी की है। वहीं हमारे देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 साल में सामने आए 65,000 मामले। देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोगों को निशाना बनाने के लिए नए नए तरीके भी खोजे जा रहे हैं। धोखाधड़ी के लिए एक नया तरीका जो अभी हाल ही में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, डिजिटल हाउस अरेस्ट काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर ठग जो है वो अपराधी पीड़ित को गिरफ्तार करने का नाटक भी कर सकते हैं, वे नकली पुलिस बन सकते हैं, सरकारी कार्यालय स्थापित करने और सरकारी वर्दी पहनने जैसे तरीके भी ये अपराधी अपनाते हैं। इसे ही डिजिटल गिरफ्तारी कहा जाता है और ये अपराधी खुद को बड़े बड़े अधिकारी और अफसर बनाकर पेश होते हैं। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल करके अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कौन कहां जा रहा। बैंक अकाउंट सीज करके गिरफ्तारियों की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भी भरवाए जाते हैं और डमी अकाउंट बनाकर उनमें पैसों का ट्रांजेक्शन भी कराया जाता है। इसलिए आप सावधान रहिएगा, ऐसे मामले आजकल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आगे एक और खबर बताएंगे जिसे जानकर तो आप और भी बड़े हैरान और चौंक जाएंगे है ना। और फिलहाल जान लेते हैं राजस्थान में बिल्डिंग बनाने के नियम बदलने की तैयारी हो रही है। मल्टी स्टोरी की ऊंचाई को लेकर भी बड़ा फेरबदल होगा। सोलर पैनल लगाना अनिवार्य हो सकता है। राजस्थान सरकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज नियम में संशोधन की तैयारी कर रही है ना। और अब ऑनलाइन सट्टेबाजी में नहीं हो सकेगा रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल। सेबी ने भी एक कड़ा कदम उठाया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। थर्ड पार्टी के लिए रियल टाइम डेटा साझा ना किया जाए, स्टॉक ब्रोकरों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। और अगर कोई डेटा शेयरिंग होती है तो उसका बाकायदा एग्रीमेंट और उसका रिकॉर्ड रखा जाए। सेबी ने F&O शेयरों के लिए प्राइस बैंड नियमों में बदलाव किए हैं। 3 जून से ये लागू भी हो जाएंगे। नियमों में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, 25 ट्रेड की जगह 50 ट्रेड होंगे, 5 यूनिक क्लाइंट कोड की जगह 10 होंगे। ट्रेडिंग के दोनों तरफ 3 ट्रेडिंग मेंबर्स भी होने चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाकर 1 घंटा किया। 3 जून से ये बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को सावधान किया। SMS के जरिए जो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है उसे सावधान रहिएगा। रिवार्ड पॉइंट का लालच देकर आपको पागल बनाया जा सकता है और आपके साथ ठगी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। बैंक ने ट्विटर पर ये जानकारी शेयर की है। दिल्ली के बाद अब केरल में भी शराब नीति पर राजनीति गर्मा गई है। UDF ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने आरोप लगाया कि वाम सरकार ने बार मालिकों से उनके अनुकूल नीति बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे और इसे लेकर UDF ने LDF सरकार पर हमला तेज कर दिया। अग्निवीर को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांति। कांगड़ा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। खौफ में जी रहे 45,000 रोहिंग्या म्यांमार के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देश गृह युद्ध की चपेट में है और म्यांमार आर्मी और विद्रोही गुटों के बीच भीषण जंग है वो जारी है। 2017 से ही म्यांमार के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लगभग 45,000 अल्पसंख्यक रोहिंग्या को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 45,000 रोहिंग्या कथित तौर पर जान बचाने के लिए बांग्लादेश की सीमा के पास नफ नदी के एक क्षेत्र में भाग गए। सूडान में पिछले साल से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध के चलते संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है। देश में नरसंहार जैसे हालात बन रहे। रूस के खिलाफ फिर यूक्रेन के साथ अमेरिका, $275 मिलियन सैन्य मदद का ऐलान हुआ। चीन के बाद पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे की तैयारी हो रही है। तारीखों का जल्दी ऐलान होगा। रूस ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तर
कोरिया यात्रा की तैयारी की जा रही है। एक और जंग का सामना करेगी दुनिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बड़ी धमकी दी है। इजराइल के राफा कंट्रोल और गाजा में सैन्य ऑपरेशन बढ़ाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने दुनिया को यह बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को रोका नहीं गया तो दुनिया एक नई जंग का सामना कर सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर की पहली उड़ान चीन और रूस की नींद उड़ गई है। दरअसल अमेरिका का नया नवेला स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडार गुपचुप तरीके से उड़ान भर रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने इसकी तस्वीरें भी जारी की है। वहीं चीन को भारी पड़ रही बुलेट ट्रेन की सवारी, बढ़ता जा रहा कर्ज का पहाड़, ड्रैगन को बंद करने पड़ रहे रेलवे स्टेशन, कई रेलवे स्टेशनों को बंद करना पड़ रहा है। वहीं बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आप यहां पर देखिए, साइबर ठगों ने हाई कोर्ट के जज को लगाया 50,000 रुपए का चूना। तरीका जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, बदमाश लोग किस किस तरीके से दिमाग लगाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजियां इस्तेमाल करते हैं। मतलब दोस्तों आजकल के जमाने में साइबर ठग किसी भी समय किसी को भी चूना लगा सकते हैं। अब साइबर ठगों ने महाराष्ट्र जिला जज को 50,000 रुपए का चूना लगा दिया। रिपोर्ट्स आ रही है जिसके मुताबिक साइबर ठगों ने व्हाट्सएप डीपी में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज की फोटो लगाकर जिला जज से 50,000 रुपए की ठगी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की और जांच की जा रही है, और ये खबर काफी ज्यादा मीडिया में चल रही है, आप देख सकते हैं गूगल करके भी। अमर उजाला, News18 हिंदी, नवभारत सभी ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं एक और अलर्ट करने वाली खबर है, एक बदमाश है, आरोपी है, जिसने लेडी टीचर की आवाज में कॉल करके लड़कियों को फंसा दिया और 7 छात्राओं से गलत काम किया। मध्य प्रदेश से अलर्ट करने वाली खबर भी सामने आई, लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही मामला ये MP से सामने आया, एक पापी इंसान ने टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाकर 7 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। एक वॉइस चेंजिंग ऐप का इस्तेमाल करके एक महिला शिक्षक के रूप में कॉल करता था और लड़कियों को स्कॉलरशिप का लालच देकर सुनसान जगह पर बुलाता और फिर उनके साथ गलत काम करता। फिलहाल इस मामले की जांच भी जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2006 तक हुए भू अधिग्रहण को रखा बरकरार, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। मुंबई में जल संकट, 30 मई से 5% पानी की कटौती। BMC ने कहा कि जून में और बढ़ेगी आम लोगों की परेशानी। मुंबई में बढ़ते जल संकट के बीच आम लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बड़े काम का है ये सरकारी मोबाइल ऐप, खाने की चीज में मिलावट की आप शिकायत कर सकते हैं। FSSAI ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसकी मदद से आप खाने की किसी भी चीज में मिलावट की शिकायत कर पाएंगे। इस ऐप का नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बजाज ला रही नई 125cc की बाइक, TVS और हीरो के मॉडल्स को कड़ी टक्कर मिल सकती है। राजस्थान में रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिल रही है। शनिवार को राजस्थान के फलोदी जिले का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बाड़मेर में भी 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। दिल्ली में लू का रेड अलर्ट है। और बड़ी खबर, राजस्थान में OBC लिस्ट में शामिल 14 मुस्लिम समूह की होगी समीक्षा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हम 4 जून के बाद ये जांच करेंगे कि 1997 से 2013 तक OBC सूची में इन मुस्लिम समुदायों को शामिल करना कानूनी था या फिर अवैध। समीक्षा करने पर विचार किया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे, नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है। NTPC का चौथी तिमाही में मुनाफा 33% बढ़कर 6,490 करोड़ रुपए। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार हैं, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सरकार की नई गाइडलाइन, अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी पुलिस। पटवारी और ASI की जान चले जाने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अवैध खनन रोकने के दौरान पटवारी और ASI को ट्रैक्टर से कुचलने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन और अधिकार क्षेत्र तय कर दिए हैं। इसके तहत पटवारी और ASI स्तर के पुलिस कर्मी अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नहीं जा सकेंगे। वे पहले राजस्व अफसरों को सूचना देंगे और इसके बाद उनके निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेंगे। कोई भी वाहन तय मात्रा से अधिक परिवहन कर रहा तो पुलिस सिर्फ अधिकारियों को सूचना देगी और फिर SDM कार्रवाई करेंगे। अवैध खनन पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, CO, खनिज विभाग के अफसरों को होगा। वे पुलिस बल की मांग कर कार्रवाई कर सकते हैं। झारखंड में 28 मई तक बारिश और बिजली का येलो अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वीको को घर घर पहुंचाने वाले यशवंत पेंडरकर का निधन हो गया। 85 वर्ष की इनकी आयु थी। TV में आप लोगों ने भी कई बार एड में देखा होगा वीको टर्मरिक, नई कॉस्मेटिक जैसी लाइनें भी आपने देखी होगी। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की दुनिया में वीको के नाम को घर घर पहुंचाने वाले कंपनी के चेयरमैन यशवंत पेंडरकर अब नहीं रहे। और बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु में हेजा फैलने के बाद जागी सरकार। डिप्टी CM DK शिव कुमार ने क्वालिटी बेस्ड वाटर सप्लाई के निर्देश दिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हाईटेक सिटी के नाम से मशहूर तो है ही, लेकिन यहाँ साफ पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग और खपत का नया रिकॉर्ड बना है। 29,147 मेगावाट की आपूर्ति की गई। CBSE बोर्ड कक्षा 9 के सिलेबस में बदलाव, अब पढ़ने होंगे 6 विषय। 10वीं में नहीं कर सकेंगे सब्जेक्ट चेंज। CBSE की आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें आप डिटेल से जानकारियां जरूर लीजिएगा। और 1500 से अधिक बार हो चुका गिरफ्तार, 6000 से अधिक दिन जेल में गुजारे। यह है दुनिया के सबसे अधिक बार अरेस्ट होने वाले
वाले महानुभाव जिनका अभी पिछले वीकेंड में 74 साल की आयु में निधन हो गया। इस शख्स का नाम है हेनरी अर्ल और इसे पूरे अमेरिका में दुनिया का सबसे अधिक बार गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। अना और ये बिल्डिंग अवैध है, नोएडा प्राधिकरण का अभियान चल रहा है, जल्दी गिराई जाएंगी ऐसी इमारतें। अगर आप भी नोएडा में किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर किसी किराए की बिल्डिंग में अपना कोई छोटा मोटा धंधा वगैरह चला रहे हैं तो ये खबर ध्यान दीजिएगा। नोएडा में अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई का अभियान जारी है, जल्दी इन इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। अवैध बिल्डिंगों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध है। छोटा हरिद्वार के पापी पुजारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज 24 घंटे के भीतर करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। यानी जिसे पुजारी समझा वो पापी निकला, महात्मा मानकर जिसके आगे सिर झुकाया उसने अपने काले कारनामों से शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। उसके ऊपर लोगों ने भरोसा किया था लेकिन अपनी हवस की आग में उसने उस भरोसे को ही तहस नहस कर डाला। जो महिलाएं माँ गंगा के घाट पर नहाने के लिए आई और महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड किए, घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाकर उन्हें लाइव देखने वाले मुकेश गोस्वामी के ऊपर पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। यहाँ पर इसने जो भी अपना साम्राज्य फैला रखा था, दुकानें वगैरह बना रखी थी, घाट के किनारे दुकानों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। 80 साल बाद मिला खतरनाक अमेरिकी पनडुब्बी का मलबा दूसरे विश्व युद्ध में जापानी युद्ध पोतों के लिए काल बनी थी। अमेठी कृषि विज्ञान केंद्र में एक म्यूजियम स्थापित है जहाँ किसान भाइयों को फ्री में नई नई जानकारियां मिलती है। देश में किसानों की फसल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र कठोरा में एक म्यूजियम की स्थापना की गई है। अमेठी में किसान भाइयों को खेती में बेहतर पैदावार के लिए यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है, जानकारियां दी जाती है, नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है। और सोने चांदी के भाव हम सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही देखते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां और हेडलाइंस अपडेट। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना दोस्तों। और एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।